नमस्कार, मेरा नाम हर्षवर्धन चौहान है, जोनल मार्केटिंग मैनेजर हरियाणा। मैं पिछले 6.5 सालों से पारिजात के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जो शुरुआत की थी पारिजात में, वो एज अ एग्जीक्यूटिव स्टार्ट की थी R&D डिपार्टमेंट से। जब मैंने R&D डिपार्टमेंट में शुरुआत की थी तो उस टाइम यहाँ पर R&D इस्टेब्लिश हो रही थी। उस टाइम R&D में यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो काफ़ी चीज़ों में हमें क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, कैसे हम अपनी लैब को इस्टेब्लिश करें, कैसे अपने फार्म को इस्टेब्लिश करें। तो हमारे बीच काफ़ी सारे ऐसे हर्डल आए जो हमने पार किए। हमने कभी हार नहीं मानी है उस चीज़ में, हमने सारे चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं और मैनेजमेंट को जो हमने कमिटमेंट किया था वो हमने पूरा किया है। और मैनेजमेंट को भी हमसे काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट थी कि R&D इस्टेब्लिश हो रही है तो कैसे सेटअप करना है उस चीज़ को। तो हमने सारे वो स्ट्रगल पार किए और हमने एक R&D का पूरा एक सेटअप तैयार करके दिया पारिजात को। तो उसके बाद क्या हुआ कि R&D जब हमारी इस्टेब्लिश हो गई है, तो 5 साल मैंने R&D के बिताने के बाद फिर मैंने मार्केटिंग ज्वाइन की। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली मार्केटिंग में, तो जो मुझे मार्केटिंग में जो मेरे लिए क्या था, एक डिफरेंट पार्ट था, क्योंकि मैं एक R&D बैकग्राउंड से आया था, तो मार्केटिंग मेरे लिए डिफरेंट पार्ट था। तो मैंने मार्केटिंग में जो मेरे सामने जो हर्डल है, क्योंकि मुझे मार्केटिंग का इतना ज़्यादा पता नहीं था, फिर भी मैंने जो मुझे टास्क दिया गया मैनेजमेंट से, मैंने उसको कंप्लीट किया। जो भी मेरे सामने जो हर्डल आए, जो चैलेंजेस आए, मैंने उसे एक्सेप्ट किया और अपने काम को परफेक्शन किया और अपनी टीम को इस तरीके से आगे बढ़ाया कि आज मतलब बहुत अच्छा हमारा मार्केट जो एक्टिविटीज़ होती है हरियाणा में वो काफ़ी अच्छी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार जैसे हम फार्मर के पास जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि फार्मर हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन करता है कि हम उस काम को कैसे करें, तो कई बार कंप्लेंट्स भी आती है, तो हमें वो हैंडल भी करनी पड़ती है। तो उस टाइम जो हमें जो एक नेसेसरी होता है कि कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल करें, तो वो चीज़ हमें पारिजात ने बहुत अच्छे से सिखाई थी कि कैसे हमें उस हर्डल को पार करना है, यानी कि हमें पीछे मत नहीं हटना है, कोई भी मुश्किल आ जाए कभी हमने हार नहीं मानी है। तो यही एक चीज़ है कि जो हमें प्राइड में भी एक चीज़ आती है, डॉग डेंसिटी। तो हर एक पारिजात के एम्प्लॉय में वो डॉग डेंसिटी है कि जो इस चीज़ को पूरा कर सकता है। तो मुझे गर्व है पारिजात। गर्व है पारिजात।